कि तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं और अभी से जो लोगों की लाइन है वो जो यहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं, आप देखिए खासतौर पर यहाँ पे इस काउंटर पर लिखा भी गया है कि 2000 के नोट यहाँ पर बदले जा रहे हैं, और इसके ठीक बाहर आप देखिए कि किस तरीके से जो लोगों की लाइन है वो लगनी शुरू हो चुकी है, और हर किसी की कोशिश यही है कि जो उनके पास 2000 के ऐसे जो नोट है उसको बदला जाए। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? श्रीधर दुबे। नोट है सिर्फ एक ही नोट है या और भी नोट है? नहीं, सिर्फ एक ही नोट। अच्छा, कितने बजे से लाइन में आप लग गए हैं? जी 10:30 अभी तो टाइम यही हो रहा है। हाँ। तो अच्छा, तो देखिए कि आप जो 10:30 के बाद से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं लाइन में, और सबका हर कोई यही चाहता है कि जो उसके पास जो पैसे हैं जो उसको एक्सचेंज किया जा सके। देखिए एक और लोग हैं, ये 10 नोट इनके पास हाथ में है। देखिए 2000 की ये 10 नोट है, और कितने नोट है? कि सिर्फ इतने ही नोट है? नहीं, नोट तो हमारे पास शादी के लिए निकाले थे। अच्छा, शादी के लिए इसी बैंक में अकाउंट हमारा अकाउंट है, तो शादी के लिए 3-4 दिन पहले निकले थे, अब उसी के एक दिन के बाद जो है घोषणा ये आ गई। अच्छा, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो स्वागत योग्य है। देखिए अलग-अलग शहरों में आज तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं। जयपुर चलते हैं, भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, यहाँ की तस्वीर दिखाइए, 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए लोग परेशान है या सब्र है उनमें, क्योंकि देखिए अभी काफी वक्त है 30 सितंबर तक का, ऐसे में पैनिक की स्थिति। देखिए पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पैसे लेकर भी आए हैं, नोट लेकर आए हैं 2000 का लेके आए। अच्छा, आज शुरुआत है, आपको लग रहा था भीड़ मिलेगी, ऐसा कुछ है भीड़ वगैरह? नहीं, ऐसी कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे आराम से चेंज करवाने के लिए आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अकाउंट में डालने पड़ेंगे या वो कैश चेंज करके देंगे। आप कहाँ से आए? सर मैं जयपुर से आया हूँ, न्यूलाइट कॉलोनी से। अच्छा सर, मैं भी है ना 2000 के नोट है ना जमा कराने आया हूँ। मेरी वाइफ ने मेरी तनख्वाह में से चुपचाप छुपा के रख रखे थे। अच्छा, जो आज उन्होंने निकाले हैं। अच्छा, तो मैं इनको जमा कराने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि माहौल बड़ा अच्छा है, भीड़ भी काफी कम है, लोग जागरूक भी हैं, और सरकार ने ये नोट जो बंद किया है वो काफी अच्छा किया है, जो कि अपने पति से छुपा करके थोड़ी सेविंग कर ले रही थी। उनका भी 2000 के नोट बंद होने के बाद से उनकी भी जो सेविंग है वो सामने उनको मजबूरन रखनी पड़ी है। मनोज के पास मैं चलती हूँ चंडीगढ़। मनोज, बैंक ने क्या इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो? क्या वहां पर भी अलग से काउंटर बना दिए गए हैं और लोग किस तरीके से वहां पहुंचे, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो बाकायदा जो एक बैंक की ब्रांच के सामने मैं खड़ा हूँ, बाकायदा यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया गया है, हम उसको दिखाएंगे कि 2000 रुपए का जो नोट है उसकी बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है और 30 सितंबर तक ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। सुबह का हालांकि वक्त है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग यहाँ पे जरूर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सर नाम बताएं अपना। नरेश जी, ये बताइए कि 2000 का नोट आज बदलवाना की जो समय सीमा है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या कैसे देखते हैं आप भी यहाँ पर, क्या नोट बदलवाने आए? हाँ जी, मैं भी नोट बदलवाने आया था। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस है बैंक का, आराम से जब अपना नोट चेंज हो रहा है, कोई मतलब भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। ब्रांच के बाहर तो कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही, आप अंदर गए होंगे, अंदर क्या स्थिति है? अंदर भी नॉर्मल है। कोई असर पड़ेगा आम आदमी को इससे? मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा असर पड़े। ठीक है, तो देखिए लोग इक्का दुक्का लोग ही अभी तक आए हैं, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? अमित यादव। 2000 का नोट आज से एक्सचेंज हो रहा है, आपने करवा दिया? हाँ जी, करवा दिए, थोड़े से थे, एक आधे ही थे, ज्यादा नहीं थे। बिल्कुल मनोज, देखिए लोगों को ये भी समझना होगा कि नोट पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। फिलहाल 30 सितंबर तक इस नोट का आप शॉपिंग के लिए भी, पेट्रोल भराने के लिए भी, खाना ऑर्डर करते हैं तो उसका पेमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नोट अभी मान्य है और बाकी के भी खरीदारी में इसका यूज हो रहा है।